friends, I am your friend Premananda Ghag and welcoming all you on Knowledge Tapri. So friends, today we are going to discuss one of the silent problem of our metropolitan cities. Yes, I am using the word silent because we are aware about this problem since our childhood. We discuss lot about this problem, but hum karte kuch nahi hai. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, हम करना जरूर चाहते हैं, बट एक फैक्टर है जो साला बीच में आ जाता है एंड दैट इज टाइम फैक्टर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम. आई विल आस्क यू द वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ यू नो द आंसर प्लीज टेक्स्ट मी इन दिस कमेंट. बचपन में हम हमारे घर के बाहर चिड़ियाओं को देखते थे. क्या आप बता सकते हो आज वो चिड़िया हमें क्यों नहीं दिखती, और दिखती भी है तो बहुत कम दिखती है, क्यों? There may be many reasons, but one of the reason is urbanization. Yes, urbanization. हमारे urban की population rapidly increase हो रही है. Why? Because there is better employment facilities, better medical facilities, better facilities of trade and commerce, better facilities of higher education, and the many more facilities which are available in urban cities. और इन सबके बीच में हम भी कहीं फंसे हुए हैं. कहीं हम सर्विस दे रहे हैं तो कहीं हम सर्विस ले रहे हैं. वी ऑल आर वेरी बिजी टू जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर अवर फैमिली. एंड या इट्स ट्रू, इट्स इम्पोर्टेंट. हम सोचते बहुत है कि हमको ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, बट टाइम नहीं मिल पाता. बट वीकेंड में अपने फैमिली को लेके हम शॉर्ट ट्रिप पर जाना नहीं भूलते. सो दोस्तों, मैं आपको आज ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिस सोल्यूशन की वजह से आपका एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और ऑफ कोर्स आप आपकी ट्रिप भी एंजॉय कर पाओगे. इस सॉल्यूशन का नाम है सीड बॉल्स. कुछ लोग इसे सीड बॉम्ब्स भी कहते हैं. तो चलो जानते हैं ये एक्चुअली सीड बॉल्स होते क्या है. इसे जापानीज टेक्निक्स डिजाइन बाय मासानोबु फुकुओका. ही हैड थ्रोन द फर्स्ट सीड बॉल इन अ वर्कशॉप एट नवदोनिया इन अक्टूबर 2002. इसके बाद ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली स्प्रेड हो गई. इस टेक्निक का यूज जनरली बंजर जमीन में होता है. फॉर हार्वेस्टिंग पर्पस हेलीकॉप्टर से या प्लेन से बंजर जमीन पर सीड बॉल्स फेंके जाते हैं, वो भी बारिश के पहले. नाउ मेन पीपल आस्क व्हाई सीड बॉल्स, व्हाई नॉट प्लांटेशन. नाउ माय आंसर इज इफ यू विलिंग टू स्पेंड टाइम फॉर ट्री प्लांटेशन दैट विल बी ग्रेट, बट सीड बॉल्स सेव योर एनर्जी, योर टाइम एंड रिसोर्सेस. एंड टाइम की कमी तो हम सबके पास है दोस्तों. सो लेट्स सेव टाइम फॉलोइंग ट्रीज प्लांटेशन यूजिंग सीड बॉल्स. नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक सीड बॉल्स विद मिनिमम रिसोर्सेस एट होम. सीड बॉल्स बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी. एक है सीड्स, दूसरे है फर्टिलाइज सॉइल और थर्ड है वाटर. ओके, इन तीन चीजों को लेके हम सीड बॉल्स बनाएंगे. अब गोला बनने के बाद मैं गोले के अंदर एक छेद करूंगा. छेद करने के बाद मैं अपने जो सीड्स है वो सीड्स को उन गोलों के अंदर डालूंगा. मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दो या तीन तरीके के सीड ले, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होगा. तो इस तरह से हमारा सीड बॉल बन चुका है. अब हम इसे सुखाएंगे. जब आपके सीड बॉल सूख जाएंगे तो इस तरह के गोले दिख जाएंगे. ओके दोस्तों, तो इस तरह के गोले बनाने के लिए आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा. आप बहुत सारे गोले बना सकते हैं, और जब भी आप बाहर घूमने के लिए जाए तब वहाँ आप इन्हें फेंक सकते हैं और ट्री प्लांटेशन में अपना योगदान दे सकते हैं. अगर आपको बस उतना भी टाइम नहीं है कि छोटे छोटे गोले बना सके, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सीड बॉल परचेज भी कर सकते हैं. तो इस तरह से हम अपने आजू बाजू की बंजर जमीन को सीड बॉल्स के थ्रू अगेन ग्रीन लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा, बट आपके 10 सीड बॉल में से अगर 5 सीड बॉल भी एक्टिव हो जाते हैं तो भी एक नए रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी. और हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी रिवॉल्यूशन से होती है. तो दोस्तों, हमें रिवॉल्यूशन जरूर करना चाहिए. ये इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना इट्स माय पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उस इन्फॉर्मेशन को आपको यूज करना या अमल करना और लोगों तक पहुंचाना, यह आपकी जिम्मेदारी. सो जय हिंद.